वाला जो छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज है तो उसमें से आया हूँ। और ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है जिसके बीच में एक स्टैंडिंग पॉइंट बनाया गया है और फिर से और एक सस्पेंशन ब्रिज। मतलब लॉजिक ये है कि एक बड़े से ट्री के से दूसरे ट्री को कनेक्ट करके एक एक सस्पेंशन ब्रिज छोटा छोटा ऐसे बनाया गया है ऐसे। तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं इस पे खड़ा हूँ, फिर वहाँ पे एक है, फिर वो कनेक्ट होता है दूसरे ट्री के साथ, फिर वो कनेक्ट होता है दूसरे, जैसे कि आप देख रहे हो दूर से दिख रहा होगा ना, बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं। तो फिर बड़ा मतलब एडवेंचर टाइप का बनाया हुआ है। वैसे ये छोटे छोटे वाले ज़्यादा हिल नहीं रहे हैं, बट यू नो मतलब ऐसे नेचर के बीच में इसको यूटिलाइज़ किया है, इन पेड़ों को काटा नहीं गया है और इसमें एक एक ब्रिज बनाया गया है जैसे लोग इनके ऊपर चल सकें और दे कैन फील द नेचर। ये मैं बात करते करते और एक स्टैंडिंग पॉइंट पे आ गया और ये पीछे रह गई ये सस्पेंशन ब्रिज। और ऐसे जंगल के चारों तरफ बनाया हुआ है। इट्स एक्चुअली एडवेंचर, कहीं पीछे लिखा हुआ था इट्स द रियल नेचर एडवेंचर या ऐसा कुछ, दे रियली मीन दैट। ये सस्पेंशन ब्रिज के बाद वाला एक पाथवे बना हुआ है जंगल के अंदर जहाँ पे के ट्री हाउस हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं। तो फिर इसको सारे क्रॉस करके पीछे मेरे हैं अगेन सस्पेंशन ब्रिज। तो फिर ये डिज़ाइन वैसे किया गया है कि एक तरफ से आप निकलो, पूरा जंगल का एक चक्कर काटो और फिर आके सस्पेंशन ब्रिज के पास पहुँच जाओ। तो मैं पूरा चक्कर काट के आके अभी सस्पेंशन ब्रिज के पास फिर से पहुँच गया हूँ। तो फिर से मैं ब्रिज के ऊपर से उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा जहाँ से मैं आया था, और उसके बाद है क्लिफ वॉक। वो शायद से वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स गो एंड डू द क्लिफ वॉक। अभी फिर से सबसे सस्पेंशन ब्रिज का मज़ा लेना है हिलते हुए। तो लेट्स वॉक और देखते हैं क्लिफ क्या है। तो क्लिफ है एक रास्ता, पाथवे बना हुआ है पूरे जो माउंटेन है उसके साइड साइड में। व्यूज़ अमेजिंग होने वाले हैं, जितना मैंने पीछे जो पिक्चर्स लगे हुए हैं वो देख के अंदाज़ा लगाया है। अब चलने की बारी है, काफ़ी सेफ लग रहा है लेकिन भीड़ काफ़ी है, बहुत धीरे धीरे लोग मूव हो रहे हैं। लेकिन जैसे सेल्फी स्टिक या फिर ये ऐसे वीडियो बनाना में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, स्पेशली अगर आप वो सेल्फी स्टिक लेके ऐसे झुक के यहाँ पे, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली स्टिफ नीचे, अगर फिसले तो फिर नीचे, तो फिर वो वाली हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। तो दिस इज ये पहाड़ है। द वाटर टर्न्स इनटू आइस एंड स्प्लिट्स द रॉक, इज इट? तो पानी जम जाता है और पत्थर को अलग कर देता है। ये जो पीछे का क्लिफ है ना, ये जो डिज़ाइन है, ये मुझे कुछ जोरासिक पार्क पार्ट टू या पार्क थ्री में जब वो बच्चे को रेस्क्यू करने आए होंगे ना लोग, तो उसमें पता है मतलब वो लड़का दौड़ रहा होगा और वो उड़ने वाले जो डायनासोरस हैं, वो डायनासोरस या क्या होते हैं मुझे नहीं पता, तो वो जब अटैक करते हैं तो वो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है राउंड सा। अगर यहाँ इसके ऊपर कुछ एक कवरेज होता, मतलब एक केज जैसा होता, तो फिर वो सिमिलर होता, क्योंकि मुझे लगा, आई डोंट नो व्हाट अदर फील, मुझे ऐसा महसूस हुआ। सो दिस इज़ द वे। बच्चे ऐश कर रहे हैं। चलना काफ़ी पड़ेगा लेकिन मज़ेदार है बिकॉज व्यूज़ अमेजिंग है। यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, साइड में पहाड़ हैं और बीच में चलते रहो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्वाइट गुड। एक मुश्किल है यार, जब मतलब यू नो
मतलब जैसे वो सस्पेंशन ब्रिज पे मास्क पहनना अभी कंपलसरी हो गया है। सो नेचर में आके मास्क पहनना, ये कोविड कब जाएगा भाई, ये सबसे इरिटेटिंग चीज़ है। मुझे क्या लगता है ना कि ऐसे नेचर में आके खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ अलग है, उसमें भी अगर मुंह में लगा के रखना मज़ा करकरा बन जाता है। तो इस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ, मैं सी प्लेन्स का टेक ऑफ और लैंडिंग देख रहा था, तो बड़ा मज़ा आया देख के। इसको बकेट लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, हालांकि महंगा तो होगा लेकिन कभी ना कभी तो करके दिखाऊंगा। मैं ये बताने वाला था कि जो सस्पेंशन ब्रिज का मेरा टूर था, यस आई एग्री $54 थोड़े एक्सपेंसिव है जब आप इधर इंडिया से आते हो या कहीं से भी आते हो एंड आपकी कमाई कम होती है, बट स्टिल इट इज़ वर्थ डूइंग, और बाद में भी कर सकते हो जब कमाई शुरू हो जाएगी, बिकॉज वंस यू स्टार्ट अर्निंग $54 इज़ नथिंग। और मेरा खर्चा हुआ वही $54, क्योंकि आई हैड द कैंपस कॉम्पास पास, जिसमें कि तीनों स्काई ट्रेन, बस और सी बस तीनों इंक्लूडेड होते हैं। तो इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव एक्सेप्ट द टिकट व्हाट आई टुक फॉर द सस्पेंशन ब्रिज, तो अच्छा था। एक्सपीरियंस एक बार जाना होता है, तो दैट्स व्हाट आई फील। अब लोगों के दूसरे व्यूज़ हैं कि क्यों पैसा लगाएं घूमने के लिए, आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर गिव अ लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब इट, और शेयर कर दो अगर किसी को वैंकूवर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे किसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विथ लॉट ऑफ न्यू वीडियोज। हालाँकि ये जो पीछे हैं ये है ओकरा, अब मैं भूल चुका हूँ यार ये क्या था। दिस इज डिजिटल ओकरा, दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अ किलर व्हेल जो कि यहाँ के किसी कंपनी ने यहाँ पे बनाया हुआ है, और दिस इज़ वैंकूवर डाउनटाउन। हालांकि मैं आज वैंकूवर डाउनटाउन में कुछ एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, इट वुड बी अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर, क्योंकि मैं यहाँ का कभी ना कभी जो सनसेट है वो रिकॉर्ड करूँगा एंड आई विल कम अप विद अ फ्रेश वीडियो। सो रिक्वेस्टिंग अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड सी यू इन अ डिफरेंट प्लेस ऑन अ डिफरेंट डे ऑन द सेम चैनल। टेक केयर, बाय बाय।